आइए अब हम बायोट स्वार्ट्स लॉ का एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। मैंने बताया था कि सी से समझेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर है वही, सपोज कीजिए कि इसका हम कोई नाम रख देते हैं XY। XY इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ एनी फाइनाइट लेंथ। सपोज कीजिए कैपिटल L लेंथ हो सकता है। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट, या पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इस किसी पॉइंट P पर हमें मालूम करना है मैग्नेटिक फील्ड। यह पॉइंट P करंट कैरिंग कंडक्टर से मान लीजिए कि R डिस्टेंस पर है। यहां से इसकी दूरी है कैपिटल R दूरी पर है। अब हम इसको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट P, तो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले यहां से मान लीजिए पॉइंट O है, O से L दूरी पर हम एक एलिमेंटल पार्ट लेते हैं। L दूरी पर हम ले रहे हैं एलिमेंटल पार्ट, और इस एलिमेंटल पार्ट का लेंथ है सपोज कीजिए dl है लेंथ। यह लेंथ हम दिखाए dl है। मैंने बताया था कि इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखाते हैं db इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो r क्या है? इस करंट एलिमेंट से p की दूरी है, तो हम इसको यदि मिला दें यहां से तो यह दूरी हम r कह सकते हैं, या यहां से भी मिला दें तो यह दूरी भी लगभग r ही है। ये दोनों दूरियां r ही है, क्योंकि यह एलिमेंटल पार्ट बहुत ही छोटा है। और ये थीटा क्या होगा? ये थीटा एंगल इसको मान सकते हैं या इसको मान सकते हैं। यह एंगल थीटा है या यह एंगल थीटा है, दोनों एंगल बराबर है। अब हम क्या करते हैं कि यहां से मान लीजिए कि यह छोटी सी दूरी है, इसको मान लिया a है, यह मान लीजिए कि q है, और यह मान लीजिए कि n है। n हमने परपेंडिकुलर डाला, इस एंगल को हमने मान लिया phi है, और इस एंगल को मान लिया d phi है। अर्थात यह करंट एलिमेंट बहुत ही छोटा एंगल d phi पर, यह करंट इस करंट एलिमेंट पर यह ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना रहा है कितना एंगल? ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर यह पार्ट बना रहा है डी फाई एंगल। अब हम देखें कि हम डीएल साइन थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, आर के बदले में क्या लिख सकते हैं, सो देखें। हम तो करंट एलिमेंट इतने को ही माने थे, यह डीएल करंट एलिमेंट है, हम डीएल के जगह पर तो यही डीएल लिखेंगे। और यह एंगल थीटा है या यह एंगल थीटा है, तो यह डिस्टेंस क्या होगा? एन। यह डिस्टेंस हो जाएगा डीएल साइन थीटा। अगर यह डीएल है तो यह हो जाएगा डीएल साइन थीटा। और यह डिस्टेंस चूंकि आर है, तो हम लिख सकते हैं इसको, एन को डीएल साइन थीटा को आर डी फाइव लिख सकते हैं। An is equal to dl sin theta is equal to r d phi, इसको हम r d phi लिख सकते हैं। और इस ट्रायंगल OPA में, इन ट्रायंगल APO हम लिख सकते हैं cos phi बराबर है बेस बाई हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए बेस है r और हाइपोटेनस है यह स्मॉल r, तो कैपिटल r बाई स्मॉल r। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 1 बाई r
इज इक्वल टू 1 बाई आर इज इक्वल टू कॉस फाई बाई कैपिटल आर लिख सकते हैं। यदि हम डीएल साइन थीटा का वैल्यू और 1 बाई आर का वैल्यू इस इक्वेशन में दे दें तब डीबी का वैल्यू क्या होगा, तब डीबी हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा, पहले हम लिखें आई और डीएल साइन थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे आर डी फाई, आर डी फाई डीएल साइन थीटा के जगह पर, और 1 बाई आर के जगह पर क्या लिखेंगे कॉस फाई बाई आर, तो इसको लिख सकते हैं आर डी फाई हो गया, ये डिस्टेंस आर है इसलिए आर डी फाई हुआ, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं कैपिटल आर बाई कॉस फाई है तो 1 बाई आर के जगह पर लिख सकते हैं कॉस फाई बाई आर, तो इसको लिख सकते हैं कॉस फाई बाई आर। डीएल साइन थीटा है तो डीएल साइन थीटा के जगह पर लिखे आर डी फाई, और 1 बाई आर के जगह पर लिखे कॉस फाई बाई आर, कॉस फाई बाई आर यह हमने लिखा। एक चीज और ध्यान दीजिए कि यह आर है और यह हो गया, तो देखिए 1 बाई आर के जगह पर हमने लिखा कॉस फाई बाई आर और एक आर जो बचा हो गया बचा सो हम यहां लिख दिए आर, तो इस आर से यह आर कैंसिल हो गया, इसको लिखे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू कॉस फाई डी फाई, ये हमारा डीबी का वैल्यू हो गया। अब हम बी का वैल्यू निकालेंगे, हम तो इस एलिमेंटल पार्ट के कारण पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं, पूरे के कारण क्या फील्ड होगा, तो हम क्या करते हैं हम पी से एक्स को मिलाए और पी से एक्स को मिलाए मान लीजिए यह फाई हम तो इतना एंगल में लिखे थे, यहां फाई वेरिएबल है, फाई बड़ा से बड़ा होगा तो कितना होगा, इधर लेंगे फाई वन, सपोज कीजिए कि हम इधर ले रहे हैं तो यह एंगल हो जाएगा फाई वन, और इधर लेंगे तो यह एंगल लिखेंगे फाई टू, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसी का कर देंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई, कहां से कहां तक करेंगे तो इधर अगर हम प्लस मानते हैं तो इधर माइनस मानना होगा, तो माइनस फाई वन से लेकर प्लस फाई टू तक के लिए इंटीग्रेट करें, माइनस फाइव वन से लेकर प्लस फाइव टू तक के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे। अब हम इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए, तो मैंने कॉस फाइव डी फाई का इंटीग्रेशन किया कर रहा हूं मैं माइनस फाइव वन से लेकर प्लस फाइव टू तक के लिए, तो लिखेंगे देयरफॉर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर और cos phi का इंटीग्रेशन होगा sin phi, sin phi कहां से कहां तक तो माइनस फाइव वन से लेकर प्लस फाइव टू तक, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर sin phi, तो पहले लिखेंगे अपर लिमिट, तो दिस इज साइन फाई टू माइनस साइन फाई क्या जगह पर है माइनस फाइव वन लिखेंगे माइनस फाइव वन, तो आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये माइनस चलाएगा यहां
तो यह क्या हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। यह हमारा एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हुआ। तो प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो प्रॉब्लम्स बनाने में इस फॉर्मूला का हम बहुत उपयोग होगा, बार बार उपयोग होगा, इसलिए इसका डेरिवेशन याद रहे कि न रहे समझना चाहिए। समझने से, डेरिवेशन समझने से आपको फायदा यह मिलेगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद मिलेगी कि कैसे हम आगे बढ़े, कैसे प्रोसीड करें, इसलिए डेरिवेशन पढ़ना है। वैसे सीबीएसई बोर्ड के लिए यह डेरिवेशन बोर्ड में नहीं पढ़ना है, इस डेरिवेशन को नहीं पढ़ना है, लेकिन इस पर बेस्ट प्रॉब्लम करना है बोर्ड में भी। तो अच्छा हुआ कि डेरिवेशन भी आप ठीक से याद रखेंगे, रिवाइज करेंगे, और साथ साथ इस फॉर्मूला को निश्चित रूप से, इस फॉर्मूला को निश्चित रूप से आप याद रखेंगे। इस फॉर्मूला को याद रखने से आपको फायदा मिलेगा, हर जगह फायदा मिलेगा। इसका हम कुछ स्पेशल केसेज में बता रहा हूं, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। मैं एक जगह लिख देता हूं कहीं किनारे में कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई आर साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, और इसका हम कुछ स्पेशल केसेज बता रहे हैं, इसके बाद हम इस पर प्रॉब्लम्स भी करते रहेंगे। आइए हम देखते हैं स्पेशल केसेज में। इफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड पॉइंट P इज नियर इट। सपोज कीजिए कि करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और पॉइंट P इसके पास है, यह दूरी R है मैंने बताया था। अब जब इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो यहां हम फाइव वन दिखा रहे थे, इसको मिलाए थे, तो जो मिलाए थे तो यह एंगल था फाइव वन, यह एंगल था फाइव वन याद कीजिएगा, और यह एंगल था फाइव टू, इधर मिलाए थे तो यह एंगल हो गया था फाइव टू। अब जरा सोचिए कि अगर यह इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इसके अंतिम एंड को यदि P से मिलाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इन्फिनिटी पर जाकर मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि यह phi1 और phi2 90 डिग्री होना चाहिए। Here phi1 is equal to phi2 is equal to 90 डिग्री, इसलिए sin phi1 and sin phi2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। So हम लिखेंगे इसलिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई आर या टू आई बाई आर। साइन फाइव वन इज वन, साइन फाइव इज वन, वन प्लस वन दैट इज टू आई बाई आर, या हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। यह केस वन था। केस टू देखें, सपोज कीजिए कि पॉइंट P इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर के एक एंड पर है, एक एंड के पास है। केस टू, ये पॉइंट P अब यहां नहीं होकर कहीं यहां है, ये R दूरी है। अब इसको जब हम मिलाएंगे इनफाइनिटी पर तो यह क्या होगा, फाइव वन तो इधर, इधर फाइव वन तो जीरो होगा। इफ पॉइंट P इज नियर वन एंड ऑफ द इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास हो, यहां पाई वन क्या हो जाएगा, यह फाइव वन हो जाएगा जीरो, जीरो रेडियन या जीरो डिग्री, और फाइव टू हो जाएगा पाई बाई टू रेडियन या 90 डिग्री। इसलिए B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई आर। आई बाई आर क्यों होगा, साइन फाइव वन जीरो हो गया, साइन फाइव टू वन हो गया, जीरो प्लस वन
सो वन आई बाई आर, तो बी का वैल्यू हम निकालें। अब हम तीसरा केस देखेंगे कि अगर फाइनाइट लेंथ का हो यानी एल लेंथ का हो और पॉइंट पी उसके एक एंड पर हो तब क्या होगा। केस थ्री, अब थर्ड केस को देखिए। थर्ड केस में हम दिखा रहे हैं कि यह एक फाइनाइट लेंथ है यानी एक्स वाई ये कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, यह फाइनाइट लेंथ का है और इसका लेंथ हमने मान लिया कि एल है। पॉइंट पी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो एक एंड के पास है डिस्टेंस आर दूरी पर। अब इसका मतलब है कि इधर तो कोई एंगल बन नहीं रहा है, इसलिए फाइव वन का वैल्यू क्या होगा, यह फाइव वन बराबर हो जाएगा जीरो डिग्री एंड फाइव टू बराबर हो जाएगा फाइव, और तब हम लिखेंगे कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई आर साइन फाइव वन के जगह पर हम लिखेंगे जीरो प्लस साइन फाइव टू के जगह पर लिखेंगे साइन फाइव, और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई आर और साइन फाई इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है एल एल और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इज एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हम यहां लिखेंगे एल बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही बी का वैल्यू होगा। तो इस तरह से मैंने तीन स्पेशल केसेस हमने दिखाए हैं, और अगले वीडियो में हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। रहने देते हैं, ओके, थैंक यू सो मच।